आज चर्चा हुई। भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक निर्मल अखाड़े में हुई, जिसमें सर्वप्रथम ये कहा गया कि अखाड़ों के जितने भी अतिक्रमण है आसपास वो हटाए जाए। दूसरा, जो रोड बनाए जाए वो जल्दी बनाई जाए। मेले के जो प्रारंभ होने से पहले कार्य पूरा किया जाए। पार्किंग स्थल पास बनाए जाए। प्रयाग की रिंग रोड बन रही है वो अच्छी बनाई जाए। नाग वास्तु का उद्धार किया जाए, ये हम लोगों ने मांग किया है और लगभग हमारी लोग मांग जल्दी पूरी भी हो रही है। सरकार से हम लोग को ये नाराजगी नहीं है, ये बता दें आपको। अच्छा भारत जी, कितने लोग, कितने अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए और फर्जी बाबा अखाड़ों के प्रतिनिधि बाकी हुए? आज केवल एक ही नाम आया, सत्यम भूमि और सत्य नारायण सिंह। ये किसी हमारे महात्माओं के ऋण नहीं आते हैं, न किसी परंपरा के हैं ये, न किसी गुरु मंत्र लिया है ये, अपना भगवा पढ़ लिया बाजार में और लोगों के साथ क्या कर रहे हैं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे महात्माओं के श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनका गहन जाँच की गई। कई लगभग 5-6 महीने लगे हम लोगों को, लेकिन कहीं से भी ये नहीं आएगी किसी परंपरा के लिए, इसलिए उनको आज हमारे जो सनातन परंपरा में उनको महात्मा नहीं मानते। महाराज जी, शाही स्नान का आप लोगों ने, शाही स्नान देखिए ऐसा है, जब तक अखाड़ों की स्थाई का कार्य शुरू नहीं हो जाएंगे तब तक वो चालू है। अगर अखाड़ों के स्थायी कार्य शुरू हो जाएंगे तो हमारी बैठक जल्दी बुलाई जाएगी, उसको निर्णय जाएगा। तो महाराज जी, जो लिस्ट आप लोग जारी कर रहे थे उनको कुंभ में आने से रोकेंगे क्या करें? बिल्कुल रोकेंगे, वो आएंगे भी नहीं। जबकि योगी सत्यम का तो पंडाल लगता है भैया, लगता था, अब नहीं लगेगा ना, अब तो लिखा पड़ जाएगा, सरकार से भी मांग करेंगे, लिखा पढ़ जाएगा। जितने लोग हमने कहा है वो लिखा पढ़ गया भी है और दावे हो रही है। अखाड़ा परिषद ने अब तक 20 लोगों की सूची जारी कर दी है, फर्जी बाबा है। अखाड़ा परिषद का ये अभियान है कि भारत को फर्जी महात्माओं से मुक्त कराया जाएगा। ऐसे फर्जी महात्माओं से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता से उनसे दूर रहें, ऐसे महात्माओं के मकाम में न आवें। ऐसे लोग महात्मा बाजार से कपड़ा पहन करके भगवा कपड़ा बन करके वो लोग गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो लोग नाम हम लोगों का आता है, इसीलिए हम लोग अभियान चलाए। क्या मानक है, क्या है? मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि साधु बनने की परंपरा है, संन्यास परंपरा हो, प्रसव परंपरा हो, उदासी परंपरा, निर्माण परंपरा, इससे जुड़ना, जो जुड़े हैं साधु हैं और जो नहीं जुड़े साधु नहीं है। महाराज योगी सत्यम जी का कई बार भूमाफियाओं में नाम आ चुका है, भू माफिया में है या क्या, ये प्रशासन जाने, हम तो जानते हैं कि हमारी महात्माओं की श्रेणी में नहीं है, महात्मा नहीं। आगे भी लिस्ट जारी होगी? जारी होगी। कृपया हमारे चैनल को